Hello guys, my name is Aditi and today we will discuss about very important topic in reasoning and that is blood relation. जो blood relation है वो बहुत ही important topic है किसी भी competitive exam के लिए, either it's banking, SSC, state level exam or any other exam. अभी currently में PSPCL का एक exam आ रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही important topic है. 4 to 5 questions जो है वो surely वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है. तो मैं आपको ब्लड रिलेशन की कम से कम मेरी 3 वीडियोस बनेंगी ब्लड रिलेशन के ऊपर, बिकॉज इट हैज़ 3 टाइप्स. तो फिर आज हम सबसे पहले पहली टाइप डिस्कस करेंगे और मैं आपको उसमें सिखाऊंगी कि चार्ट कैसे बनाते हैं ब्लड रिलेशन को. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेजर चार्ट बनाना पड़ता है, उसके जो सही मेथड होते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगी. तो चलिए आगे चलते हैं. द मीनिंग ऑफ ब्लड रिलेशन, मीनिंग यही है दैट बायोलॉजिकल रिलेशन, द रिलेशन दैट इज रिलेटेड टू ब्लड. जो वाइफ और हस्बैंड होते हैं उनका बायोलॉजिकल रिलेशन तो नहीं होता है, लेकिन जो उनके बच्चे होंगे उनका बायोलॉजिकल रिलेशन जो है वो होता है, ठीक है. अब नोट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग. यही है कि इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए बहुत ही, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सब में ब्लड रिलेशन जो है वो आता ही आता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स, अब इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. एंड दैट आर जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड रिलेशन, सेकेंड इज ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन फैमिली ट्री, थर्ड इज कोडेड और सिम्बॉलिक ब्लड रिलेशन. तो आज हम पहली टाइप को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड रिलेशन. सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन को, क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको इनके जो है रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि हम किसी भी रिलेशन को किस नाम से पुकारते हैं. तो वैसे ही मदर और फादर, हमारे जो भी मदर या हमारी फादर का जो बेटा होगा, दैट इज सन जो होगा, उसको हम ब्रदर बोलेंगे. मदर और फादर्स की जो भी डॉटर है उसको सिस्टर. सिमिलरली मदर या हमारे मदर या फादर का जो भी ब्रदर होगा वो हमारे लिए अंकल होगा. हमारे मदर या फादर की जो भी सिस्टर होगी वो हमारे लिए आंट होगी. वैसे ही मदर और फादर के जो फादर होंगे वो हमारे लिए ग्रैंड फादर. इन द सेम वे जो उनकी मदर होगी वो हमारे लिए ग्रैंड मदर होगी. हमारा अगर कोई बेटा है और उसकी वाइफ हमारे लिए डॉटर इन लॉ होगी. हमारी अगर कोई बेटी है तो उसका हस्बैंड हमारे लिए सन इन लॉ होगा. हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, हमारा कोई भी हस्बैंड या वाइफ है तो उसका भाई जो हमारे लिए वो ब्रदर इन लॉ होगा. तो वैसे ही हमारा ब्रदर का जो भी बेटा होगा वो हमारे लिए नेफ्यू होगा. तो आगे ब्रदर की हमारी जो भी डॉटर है वो हमारे लिए नीज होगी. अंकल्स और आंट सन्स या उनकी डॉटर, हमारे कोई भी अंकल या आंट है उनका जो सन या डॉटर है वो हमारे लिए कजन होगा. सिस्टर्स हस्बैंड, जो हमारे सिस्टर का जो हस्बैंड है वो हमारे लिए ब्रदर इन लॉ. वैसे ही हमारे ब्रदर की जो वाइफ है वो हमारे लिए सिस्टर इन लॉ. इन द सेम वे ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर वो हमारे लिए ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है. अब इसमें एक मेजर थिंग है समझने वाली कि जो मदर के साइड के जो रिलेशंस होते हैं हम उनको मैटरनल कहते हैं, और जो फादर के साइड के रिलेशंस होते हैं हम उनको पैटरनल कहते हैं. तो ऐसे ही अगर हमारी मम्मा का कोई भी भाई है तो वो हमारे लिए मैटरनल अंकल होगा, और अगर हमारे पापा का कोई भी भाई है तो वो हमारे लिए पैटरनल अंकल होगा, ठीक है. सिंबल्स फॉर ब्लड रिलेशन, अब मैंने आपको बताया है कि ब्लड रिलेशन को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसके ऊपर चार्ट बनाना पड़ता है ताकि जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए. तो सॉल्व चार्ट बनाने से पहले एक सिंबल्स होते हैं तो वो हमें समझने पहले ज़रूरी होंगे. पहले तो अगर हम फीमेल की बात हो रही है तो हम उसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और अगर किसी मेल की बात हो रही है तो हम उसको माइनस के साइन से डिनोट करेंगे. अगर किसी मैरिड कपल की बात हो रही है तो हम उसमें 2 लाइंस बनाएंगे ऐसे. जस्ट अ मिनट, तो मैरिड कपल के लिए ये लाइंस बनेंगी. जो सिबलिंग्स हैं हमारे लिए, मतलब हमारे कोई भी भाई है या मतलब बहन है, तो उनकी अगर बात हो रही है तो हम उसके लिए ये वाला साइन बनाएंगे सिंपल सिंगल लाइन का. और जो जनरेशन्स की बात होती है, जनरेशन्स का मतलब है कि हमारे ऊपर जो जनरेशन होगी, मतलब हमारे फादर की जनरेशन होगी, अगर हमने हमारे ऊपर वाली जनरेशन के बारे में बात करनी है तो हम ऊपर की तरफ ऐसे साइन बनाएंगे, और अगर हमारे हमने हमारे फादर के भी ऊपर जो जनरेशन होगी, मतलब मेरे फादर की जो जनरेशन होगी, मतलब मेरे ग्रैंड फादर की जनरेशन होगी, उसके ऊपर भी सेम साइन, मतलब जनरेशन जो है उसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है.
अब सबसे पहले पहले करते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एंड दैट इज रोहन हैज़ अ ब्रदर मोहन. रोहन इज द सन ऑफ विजय. अरुण इज विजय'स फादर. इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज मोहन ऑफ विजय. एक मिनट, मैं आपको एक ये चीज़ बता दूँ, इसमें जो नोट है वो एक बार आप देख लीजिए, दैट पेरेंट्स जनरेशन विल ऑलवेज बी अबव फ्रॉम चिल्ड्रंस जनरेशन. मतलब हमारे जो हम जो हमारी जो जनरेशन होगी, हम हमेशा नीचे होंगे हमारे पेरेंट्स के जनरेशन से. हमारे पेरेंट्स की जनरेशन हमसे ऊपर होगी और उनके पेरेंट्स की जनरेशन उनसे ऊपर होगी, एंड सो ऑन. ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. रोहन एज अ ब्रदर मोहन. रोहन इज द सन ऑफ विजय. अरुण इज विजय'स फादर. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज मोहन ऑफ विजय. अब हम इसको पहले चार्ट की तरह बनाने की कोशिश करते हैं. अब जैसे उन्होंने लिखा है, रोहन एज अ ब्रदर मोहन. अभी ये रोहन है तो उसको हम ये वो नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि ये मेल है. ठीक है, उसका जो भाई है, रोहन हैज अ ब्रदर मोहन. रोहन का जो ब्रदर है वो मोहन है. रोहन इज द सन ऑफ विजय. रोहन जो है वो विजय का सन है. अरुण इज विजय'स फादर. अरुण जो है वो विजय का भी फादर है, मतलब विजय के ऊपर जाएगा क्योंकि वो विजय का फादर है. इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज मोहन ऑफ विजय. अब उन्होंने पूछा है कि मोहन विजय का क्या लगता है. अब देखिए, जो रोहन है वो मोहन का भाई है. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर रोहन का जो फादर है वो विजय है, तो फिर मोहन का भी फादर जो होगा वो विजय होगा. तो फिर हमें पूछा है कि मोहन का रिलेशन क्या है विजय से, ना कि विजय का मोहन से. अगर पूछा जाए कि विजय का मोहन से क्या रिलेशन है, तो हम लिखेंगे फादर. लेकिन अगर पूछा है मोहन का क्या रिलेशन है विजय से, तो हम लिखेंगे सन. ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रीमा सैड, ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स फादर. हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रीमा. अब इसमें कहा हो गया है कि एक फोटोग्राफ है, उसको देखकर रीमा बोलती है, ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स फादर. तो वो जो फोटोग्राफ, जिस फोटोग्राफ की वो बात कर रही है, उसमें जो मैन है वो रीमा के साथ उसका क्या रिलेशन है. अब इन क्वेश्चंस को करने का एक मेथड होता है कि इनको क्वेश्चंस को ना माय से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें पीछे जाना चाहिए. ये रहा माय. माय से स्टार्ट करोगे कि मतलब माय के पहले आगे जाओ. माय माय इसमें कौन है? रीमा. रीमा क्यों है? क्योंकि रीमा बात कर रही है, मतलब रीमा अपनी बात बारे में बात कर रही होगी माय में, मतलब रीमा खुद है. ऐसे करने से ना जो क्वेश्चंस में है ना, उसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होती है और जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं. तो चलिए हम करते हैं, रीमा से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा कि माय से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम रीमा से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम पहले रीमा बना लेते हैं. ठीक है, माय के बाद क्या लिखा है? माय मदर्स फादर, मतलब रीमा की जो मदर है. उसका भी मदर का जो है फादर, मतलब उसकी जनरेशन उससे भी ऊपर जाएगी क्योंकि वो मदर का भी फादर है. अब हम पीछे जाएंगे, माय तो ले लिया, अब इसके बाद हम यहाँ पे पीछे जाएंगे ग्रैंडसन पे. अब लिखा है ग्रैंडसन ऑफ माय मदर्स फादर, मतलब मेरे जो है रीमा की जो मदर है उसका जो फादर है उनका जो है ग्रैंडसन. अब जो ग्रैंडसन है यहाँ पे हम बन जाएगा, क्योंकि ग्रैंडसन यहाँ पे तो बन नहीं सकता क्योंकि वो ग्रैंडसन की बात कर रहे हैं, सन की बात नहीं कर रहे हैं. अगर सन की बात होती तो हम बना सकते थे. तो यहाँ पे बन गया ग्रैंडसन. अब लिखा है He is the only grandson, मतलब he is the only grandson. फादर मेरी जो रीमा की जो मदर का फादर है उसका एक इकलौता ही grandson है और कोई grandson नहीं है उसका. ठीक है, तो मतलब बात किसकी हो रही है? grandson की. अब हमसे पूछा है that how is the man in photograph related to रीमा.
अब बात किसकी हो रही है, ग्रैंडसन की। मतलब ये जो फोटोग्राफ में मैन की बात हो रही है वो है ग्रैंडसन। अब उसका रीमा से क्या रिलेशन है? अब हमें रीमा से रिलेशन देखने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि रीमा का वो कज़न है, कज़न हो सकता है, क्योंकि हमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो उसका रियल ब्रदर है। अगर ये तो नहीं मेंशन किया है कि जो रीमा की जो माँ है वो उसका ही बेटा है, वो जो ग्रैंडसन है, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया। उसके बाद लिखा है ब्रदर, ब्रदर भी हो सकता है, लेकिन मेंशन नहीं है कि उसका रियल ब्रदर है। अंकल, अंकल तो किसी एंगल से नहीं हो सकता। इधर वन एंड टू, हाँ इधर वन एंड टू हो सकता है, क्योंकि ये इसका कज़न भी हो सकता है, ये इसका कज़न भी हो सकता है, और इसका ये ब्रदर भी हो सकता है, क्योंकि मेंशन नहीं है, ना ही ये मेंशन है कि वो उसका रियल ब्रदर है। तो हम ये, जब तक हमें रियल मेंशन ना किया गया हो, हम अपनी तरफ से कभी भी नहीं लिखेंगे कि हाँ उसका रियल ब्रदर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इजी है। इजी क्यों है? जब आपका चार्ट बन जाएगा तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इजी है, क्योंकि चार्ट के थ्रू आपको पता चलता है कि किसका क्या रिलेशन किसके साथ बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ रोहन। मतलब अब इसमें बता दिया गया है कि किसकी फोटोग्राफ है, रोहन की फोटोग्राफ है। अमन बोलता है रोहन की फोटोग्राफ को देखते हुए, द फादर ऑफ हिज सिस्टर इज हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, हाउ इज अमन रिलेटेड टू रोहन। अब ऐसे करने जाएंगे तो ऐसे तो कन्फ्यूजन ही होगा कि क्या किसकी फादर है, कौन किसकी सिस्टर है, ऐसे नहीं बन सकता। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जस्ट अ मिनट, वाई से, माई से, सॉरी, माई से स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा। अब हम माई से स्टार्ट करते हैं, मतलब माई के बाद क्या आ रहा है, वाइफ्स मदर। माई इसमें कौन है? अमन, क्योंकि अमन जो है वो बोल रहा है। ठीक है, अमन हम यहाँ पे अब बना लेते हैं। अब ये रहा अमन, उसके बाद क्या लिखा है, अमन की वाइफ्स मदर, अमन की जो भी अब वाइफ होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये डबल क्यों लाइंस लगाई हैं, ये जो लाइंस है ये डबल क्यों लगाई हैं, क्योंकि ये अमन की वाइफ है, और वाइफ के लिए हम, मैरिड कपल्स के लिए हम दो लाइंस को यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया था जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए हम सिंगल लाइन को यूज़ करेंगे, और जो मैरिड कपल है उनके लिए हम दो लाइंस को यूज़ करेंगे, और जनरेशंस के लिए हम ऊपर की तरफ ऐसे लाइन बनाएंगे। तो अमन की अब ये वाइफ है, तो मतलब इसके आगे प्लस साइन आएगा। वाइफ की भी मदर, अब यानी कि इसकी, अमन की जो भी वाइफ है उसकी मदर, यानी कि ऊपर की तरफ हम जाएंगे। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे, हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ्स मदर, मतलब मेरी जो वाइफ है उसकी मदर का हस्बैंड। अब यहाँ पे भी दो लाइंस आएंगे क्योंकि ये उसका हस्बैंड है। यहाँ पे लेकिन माइनस का साइन आएगा, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ्स मदर। अब यहाँ तक हो गया। अब पीछे जाएंगे इसके, ऑफ हिज सिस्टर, सिस्टर, अब यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा है, सिस्टर इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, नहीं बन रहा है। तो हम पूरी लाइन यहाँ से पढ़ेंगे, क्या है, द फादर ऑफ हिज सिस्टर, मतलब किसकी, हिज में कौन है, रोहन है। रोहन क्यों है? क्योंकि वो रोहन की फोटोग्राफ को देखते हुए बात कर रहा है। अमन रोहन की फोटोग्राफ को देखते हुए बात कर रहा है। द फादर ऑफ, यानी कि फादर किसका, रोहन का जो फादर है, द फादर ऑफ हिज सिस्टर, मतलब रोहन की जो सिस्टर है उसका फादर। अब रोहन की जो सिस्टर का फादर होगा वो रोहन का भी तो फादर होगा, ठीक है ना। अब जो रोहन की सिस्टर है वो रोहन का भी फादर होगा, तो हम यहाँ पे पहले रोहन को बना लेते हैं कहीं पे। सपोज यहाँ पे मैंने रोहन को बना लिया है, यहाँ पे रोहन की सिस्टर को बनाऊंगा मैं, सॉरी बनाऊंगी मैं।
तो उसकी जो सिस्टर है उसके लिए सिंगल लाइन यूज होगी ये वाले, क्योंकि वो उसकी बहन है। सिबलिंग्स के लिए सिंगल लाइन यूज होती है, और इसके आगे हम बना लेते हैं, स्पेस इतनी नहीं है तो अब यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं प्लस माइनस का। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है द फादर ऑफ हिज सिस्टर, रोहन की जो सिस्टर है उसका जो फादर है इज़ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर। किस कौन किसकी बात कर रही है, हस्बैंड, हस्बैंड कौन है यहाँ पे, तो हस्बैंड तो ये रहा, हस्बैंड तो ये रहा, यानी कि सिस्टर का जो फादर है, रोहन की जो सिस्टर का फादर है वो ये हस्बैंड है किसका, यानी कि अब आप रिलेशन को बनाने की कोशिश करो, ये रहा रोहन, ये री सिस्टर, ये रहा रोहन, ये री सिस्टर, ये री सिस्टर। अब उसके बाद हमें पूछा है हाउ इज अमन रिलेटेड टू रोहन, अमन रोहन से कैसे रिलेटेड है, अमन तो ये रहा ठीक है, अभी रोहन ये रहा। अब जो रोहन का रिलेशन है अमन के साथ क्या है, अब देखिए जो हस्बैंड है, रोहन किसका बेटा है इसका, और ये किसका हस्बैंड है मदर, ये इसका, और ये इसकी बेटी कौन है, ये अमन की वाइफ। अब अमन की वाइफ जो है इसकी बेटी है, तो ऑब्वियस ही बात है अमन की वाइफ का जो रोहन है वो ब्रदर हुआ, क्योंकि सेम हस्बैंड मतलब पेरेंट्स के बच्चे हैं तो ब्रदर सिस्टर ही होंगे। तो फिर यानी कि जो अमन है वो रोहन का क्या लगा, ब्रदर इन लॉ ही लगा, क्योंकि उसकी वाइफ का वो भाई है। तो आंसर क्या है, ब्रदर इन लॉ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए एक गर्ल कहती है, अरुण को बोलती है दैट आई एम द ओनली डॉटर, मैं इकलौती डॉटर हूँ। ओनली का क्या मतलब है, सिर्फ मैं और कोई भी नहीं है। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज़ योर मेटर्नल अंकल, देन हाउ इज़ द स्पीकर। अब इसमें स्पीकर कौन है, गर्ल हो स्पीकर, क्योंकि वो गर्ल बात कर रही है तो ऑब्वियसली बात है स्पीकर गर्ल है। तो जब गर्ल है उसका अरुण के फादर के साथ क्या रिलेशन है, तो चलिए बनाते हैं। इसमें अब माए तो नहीं है लेकिन आई एम तो है, यानी कि स्पीकर अपनी बात अपने बारे में बात कर रही है, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले गर्ल को बना लेते हैं। तो लड़की है तो प्लस साइन, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, यानी कि ये किसी की डॉटर है, तो यानी कि इसकी माँ जो है वो ऊपर आएगी, जो इसकी मदर है वो यहाँ पे बन जाएगी। आगे क्या लिखा है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन, मतलब किसका बेटा, मेरी जो माँ है, मेरी जो मदर है उसका जो सन है, एंड हर सन उसका जो सन है, यानी कि गर्ल का भाई होगा, क्योंकि उसका अगर सन है तो वो लड़की का भी तो भाई होगा। एंड हर सन इज योर मटर्नल अंकल। अब इसमें योर कौन है, योर ऑब्वियसली बात है इसमें अरुण है, क्योंकि वो अरुण को बता रही है, तो अरुण से बात कर रही है तो अरुण की ही बारे में बात हो रही है, तो यानी कि अरुण यहाँ पे है। तो वो कह रही है कि जो उसका मेरी जो मदर है उनका जो सन है, उनका सन है मतलब मेरा जो भाई है वो तुम्हारा मैटरनल अंकल हुआ, ठीक है। तो अब मैटरनल अंकल का क्या मतलब है, मैटरनल अंकल का क्या मतलब होता है कि जो मतलब अगर सपोज मेरा जो भाई है उनका जो बेटा होगा ठीक है, वो मैं उसके लिए मैं मैटरनल आंट होंगी, ठीक है। तो वैसे ही अब जो इसका मैटरनल अंकल है, ये किसका मैटरनल अंकल है, अरुण का, अरुण का मैटरनल अंकल है। तो अरुण का मैटरनल अंकल है, तो हम यहाँ पे अरुण को पहले बना लेते हैं। अब ये अब मैटरनल अंकल तो इसका है ठीक है, लेकिन ये बेटा किसका हुआ फिर, गर्ल का हुआ बेटा, गर्ल का बेटा होगा तब ये जो सन है ये इसका मेटरनल अंकल बनेगा, क्योंकि इसका और कोई तो, इस सन का और कोई तो भाई है नहीं या कोई सिस्टर है नहीं जिसका ये मेटरनल अंकल बन सकता है। तो एक ही लड़की है वो है ये गर्ल, तो यानी कि इसका अगर बेटा ये अरुण होगा तभी ये इस सन का मेटरनल अंकल होगा,
तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू अरुण्स फादर. अब अरुण का जो फादर है उसका उससे क्या कनेक्शन है जो स्पीकर है. स्पीकर कौन है इसमें, गर्ल है. अब अरुण का फादर कौन होगा, अरुण का फादर अगर अरुण की ये गर्ल जो है इसकी मदर है तो यानी कि इसका हस्बैंड जो भी होगा वो अरुण का फादर होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो यानी कि इस हस्बैंड का अब इस गर्ल से क्या कनेक्शन है, यानी कि ये गर्ल उसकी क्या है, वाइफ ही हुई. यानी कि हमसे पूछा गया स्पीकर का क्या कनेक्शन है अरुण के फादर के साथ, स्पीकर का क्या कनेक्शन है अरुण के फादर के साथ, तो उसका कनेक्शन क्या है, वाइफ, वो उसकी वाइफ लगी है. अगर हमसे पूछा जाता कि अरुण के फादर का स्पीकर के साथ क्या कनेक्शन है, मतलब अरुण यहाँ पे आता और स्पीकर यहाँ पे आता, तो फिर हम बोलते वो उसका हस्बैंड है, क्योंकि हमसे अरुण के फादर की बात पूछ रही थी स्पीकर के साथ. तो बस ये नोट ध्यान रखिएगा कि किसकी किससे साथ बात की गई है, स्पीकर की किस पूछा गया है कनेक्शन अरुण के फादर के साथ, ना कि अरुण का फादर का पूछा गया कनेक्शन स्पीकर के साथ. तो वो उसकी क्या हुई, वाइफ हुई. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए मिहिर बोलता है, मिहिर सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड. हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू मिहिर. अब गर्ल का कनेक्शन पूछा है मिहिर के साथ, मिहिर मतलब गर्ल क्या लगती है मिहिर की. तो अब हम पहले माए से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें माए हमें दिया गया है. तो माए माए कौन है इसमें, मिहिर है, क्योंकि मिहिर बात कर रहा है. तो हम मिहिर की तरफ पहले हम मिहिर को बनाते हैं, ठीक है. शी इज़ द सॉरी माए माए यहाँ पे मिहिर है माए ग्रैंडफादर, यानी कि मिहिर का जो फादर होगा उसका भी ग्रैंडफादर, ठीक है. माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, अब मेरे ग्रैंडफादर का सिर्फ इकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, यानी कि फिर ऑब्वियस ही बात है ये और फादर ही होगा. तो यहाँ तक तो हमारा हो गया ओनली चाइल्ड तक. अब बात करते हैं उसके ऊपर, शी इज द ओनली डॉटर, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, मतलब मेरे ग्रैंड फादर का ओनली चाइल्ड कौन हुआ, ये हुआ. तो अब वो किसकी डॉटर है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, मेरे ग्रैंड फादर का ओनली चाइल्ड ये है, तो ये इसकी इकलौती डॉटर है. ठीक है, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू मिहिर. अब उस गर्ल का मिहिर के साथ क्या रिश्ता है, यानी कि गर्ल तो ये रही. अब पूछा गया है कि उसका मिहिर के साथ क्या रिलेशन है. तो देखिए अगर ये फादर है मिहिर का तो और ये फादर है इसका, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपस में भाई बहन है, ठीक है. तो फिर क्या रिलेशन हुआ, सिस्टर. यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं गर्ल का क्या रिश्ता है मिहिर के साथ, गर्ल यानी कि मिहिर की सिस्टर लगी, जो गर्ल है वो मिहिर की सिस्टर लगी. तो अब आज के लिए तो बहुत है ये प्रैक्टिस के लिए. इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ग्राफ है सॉरी चार्ट जो है वो कैसे बनाए जाते हैं ब्लड रिलेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए. सबसे पहला पॉइंट है विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ जेंडर नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू पीपल. मतलब जब तक हमें किसी भी बंदे का जेंडर नहीं दिया गया, जब तक हमें किसी का जेंडर नहीं पता है तब तक हम अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते कि वो उसका भाई है या बहन है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ गिवन दैट पी इज द चाइल्ड ऑफ आर, अगर पी जो है
मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ, वो जो है चाइल्ड है किसका, आर और एस का, मतलब आर और एस हस्बैंड या वाइफ हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन है, मेल है या फीमेल है, ना ही हमें पी का पता है कि मी पी जो है वो मेल है या फीमेल है, ना ही हमें आर और एस का पता है कि वो मेल है या फीमेल है। देन देन वी कैन से दैट आर एंड एस आर द पेरेंट्स ऑफ पी। तो हमें ये तो पता चल गया कि आर और एस जो है वो पी के पेरेंट्स हैं, ठीक है। बट वी कैन नॉट फाइंड आउट दैट पी इज़ द सन ऑफ आर एंड एस। तो हमें ये ही नहीं पता चल रहा जो पी है वो उनका बेटा है या फिर, और पी इज़ द डॉटर ऑफ आर एंड एस, या उसकी वो बेटी है। हु इज़ द मदर एंड फादर ऑफ पी, हमें ये भी नहीं पता लग रहा कि पी का जो मदर कौन है और फादर कौन है। ये पता है ये दोनों इनके पेरेंट्स हैं, बट इसमें से मदर और फादर कौन है यही नहीं पता है। बट वी हैव गिवन दैट, अगर सपोज अगर हमें दिया गया है दैट आर इज़ अ मेल, आर जो है वो मेल है, एंड एस इज़ फीमेल, एस फीमेल है, एंड पी इज़ मेल। तो अगर पी मेल है देन वी कैन इजिली से दैट पी इज़ द सन ऑफ आर एंड एस, यानी कि पी जो है वो किसका बेटा है, और एस का। तो आपको यही इसमें पता करना है कि जब तक हमें कोई भी जेंडर नहीं दिया है तब तक हम अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चाहे अगर ऑप्शंस में दिया गया है, हम जो हमारा हम अज्यूम कर रहे हैं वो दिया गया है, लेकिन हम तब भी उसको मार्क नहीं करेंगे अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। हम नन ऑफ दीज को मार्क करेंगे, या फिर अगर ईदर और का ऑप्शन दिया गया है हम उसको मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है याद करने वाला वो ये है दैट जेंडर कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम, जेंडर जो है वो नेम के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया जाएगा। सपोज जैसे कि सिख कम्युनिटी है, वहाँ पे जैसे कि नाम है मंजीत या सुखविंदर या बहुत सारे जो नाम है वो दोनों के होते हैं, मेल प्लस फीमेल दोनों के वो नाम होते हैं। बट हमें ये अपने तरफ से अज्यूम नहीं करना है कि अगर सुखविंदर दिया है तो वो फीमेल ही होगी मेल नहीं होगा, या मनजीत दिया है वो फीमेल ही होगी मेल नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली इन द हिंदू कम्युनिटी नेम्स लाइक सुमन कशिश एसेट्रा आर द नेम्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। वैसे ही हिंदू कम्युनिटी में भी ऐसे कई नाम हैं जो कि दोनों के होते हैं, मेल प्लस फीमेल के। तो हमें अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, जस्ट आज के लिए फिर बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है देन यू कैन आस्क मी ऑन माई जीमेल अकाउंट, एंड दैट इज़ अदिति नागपाल 38@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।